अभी हम निकलने वाले हैं उदयपुर सिटी दर्शन करने। बहुत ही मजा आएगी, बहुत ही लेट हो चुका है। 10 बजे का टाइम दिया था बट अभी 11 हो चुके हैं। बहुत ही आज का दिन बहुत ही मज़ेदार होगा और बहुत ही रोमांचित होगा। मतलब उदयपुर की जर्नी इधर से स्टार्ट होती है। ये सब लोग रेडी हो चुके हैं, मम्मी पापा कुत्ती सब लोग। चलो मंगू, चलो अभी है अंकल भी है। RJ 27 PF तो हम भी रेडी है, चलते हैं। चलो हम आ चुके हैं अभी कहाँ, लेक पिछुला। हाँ, लेक पिछुला हम आ चुके हैं। अभी तो बहुत ही पब्लिक नर्वस रही है क्योंकि अभी तो धूप है, इसकी वजह से इतना ज़्यादा नर्वस रही। बाकी तो बहुत ही मज़ा यार, कितने टाइम के बाद हम लोग लेक पिछुला, मतलब किसी बार आ रहे थे ना वो लोग लेक पिछुला आते थे, तो ये फर्स्ट टाइम वो भी फुल फैमिली के साथ। फुल फैमिली मतलब ये तृप्ति के साथ पहली बार, वरना तो हाँ ये तो पहली बार ही आई है। बाकी तो मैं किसी बार आ चुका हूँ, बाकी कुछ ऐसा है इतना रश नहीं है क्योंकि अभी इतना सीज़न नहीं है की वजह से। और वो रहा उधर कोई एक पैलेस है, आई डोंट नो पैलेस ही क्या है। शाम को 6-7 बजे बाद लाइटें स्टार्ट होती है। और अगर आपको फोटो पढ़ाना हो राजस्थान ड्रेस में तो आपको फोल्डिंग ड्रेस है, अभी दे देंगे आपको घुमा फिरा के। आप आएगा आधा घंटे में फोटो लेंगे आपका, फोल्डिंग ड्रेस है। तो अभी हम लोग जाएंगे बोटिंग करने, अभी लेक पिछुला में जाएंगे लेक पिछुला में जाएंगे बोटिंग करने। बहुत ही इसका प्राइस आई थिंक 180 है पर हेड, 180 10-30 सीटर और 10 सीटर लेंगे तो 160। ये आपका प्राइस है। हे हेलो, 15 से 20 मिनट। तो अब हम चले, ये रहा सिटी पैलेस, वो रहा सिटी पैलेस और ये रहा लेक पिछुला। वो देखो ये रहा सिटी पैलेस बोरा सॉरी, और ये रहा बोट स्टेशन। तृप्ति बोलो, रेस कैसी, मजा आ रही है? अच्छा है। ए, बटन मारना है, चश्मे पहनेंगे ना यार। सिटी पैलेस राजा महल। ये रहा सिटी पैलेस, आज भी
ये रहा सिटी फ्रेश, ये तो नहीं ड्रॉप तो ये रहे दोस्तों ओबरॉय होटल, फेमस होटल ओबरॉय, और ये रहा फेमस इंसान, फेमस इंसान है फेमस नहीं हुए, अब टाइम लगेगा उसमें। और ये दोनों फेमस कपल सेल्फी। एकदम स्टेडी है, तो अब हम जाएंगे बोट वाले भैया जी और मंदिर आपको दिखा दे आगे। ये रहा वो रहा जग मंदिर। हमारी बिरादरी में आ चुके हैं आप, धीरे धीरे पैर फिसल रहा है हमारी बिरादरी में। नहीं नहीं, मैं मम्मी के लिए वीडियो बनाता हूँ। बराबर, नहीं मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं अपने पेरेंट्स लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ। बराबर, जग मंदिर इधर भी आएंगे भाई। ये बोट वाला नहीं ले रहा है, सिटी पैलेस से जाना होगा, बट अभी तो बाहर से घूमेंगे, राउंड ट्रिप है। बराबर ना, राउंड ट्रिप जग मंदिर बहुत ही जोर लागे। करणी माता का मंदिर है, उधर भी जाएंगे, करणी माता मंदिर ऊपर भी जाएंगे, बट अभी नहीं बाद में जाएंगे। तो अभी हम आ चुके हैं अपने स्टेशन, पेट्रोल पूरा, अभी फोटो शूट सब हो चुके हैं, अब इसके बाद चलते हैं, अभी बाहर चलते हैं और कुछ घूमते हैं, दूसरा सिटी पैलेस घूम जाना है, सिटी पैलेस चलते हैं और ज़्यादा कुछ बताने के अभी शब्द है नहीं मेरे पास। चलते हैं, ये रहा करणी माता मंदिर। मम्मी, ओ मम्मी, चलो करणी माता मंदिर चलते हैं। ओ मम्मी, चलो करणी माता मंदिर चलते हैं रोप वे में। ये तू जाएगी? हाँ, मम्मी क्यों नहीं जाएगी, मम्मी डर क्यों लगता है मम्मी को? अरे मुझे भी लगता है लेकिन ये सब जड़ी बूटी क्या बोलते इसको, कटलरी। तो अभी जाते हैं जग मंदिर, सॉरी करणी माता मंदिर जाते हैं घूमते थोड़ा। वैसे तो रोपवे में जाने का विचार है, बट अभी मालूम नहीं चलते जाएंगे या फिर रोपवे में जाएंगे, कोई आइडिया नहीं है अभी। तो वैसे तो मेरा प्लान है कि चलते ही जाएँ, बहुत ही बेस्ट मूव, बहुत ही मजा आएगी।
बट ऐसा है ना कि रास्ता बहुत लंबा है इसकी वजह से, और टाइम भी बहुत कम है इसकी वजह से रोपवे से चलेंगे, वरना टाइम होता तो फिर जाते चलते चलते पानेरा की तरह, बट अभी टाइम है नहीं, टाइम की कटौती इसकी वजह से हम रोपवे में जाएंगे। और ये रहा दूधतलाई, तो ये सब स्टॉल है, यहाँ छोटी मोटी स्टॉल है, अगर नाश्ता करना हो तो कर लेना, ब्रेकफास्ट लंच आपको जो करना है वो कर लेना। मम्मी बहुत ही डर रहे हैं, मम्मी बहुत डर रहे हैं, अरे चलना तो, मम्मी बहुत ही डर रहे हैं रोपवे में जाने से। मम्मी चलो चलो चलो, ये अभी टिकट दिखाएंगे, आने जाने की मतलब आने जाने की 110 है पर हेड 110 रिटर्न, तो बहुत ही अच्छा है। वैसे तो इतना महंगा भी नहीं है, इसकी वजह से बहुत ही अच्छा है। ये रही हमारी टिकट और ये रहा रास्ता, चलते हैं। ये टिकट भरी है, हमारा नंबर है 195। ये रहा रोपवे, तो ये रहा रोपवे स्टेशन, ये देख सकते हो आप, ये रहा ऊपर पहुँचेंगे, हीरा स्टार स्टार, मेरे ब्लॉगर और सबसे ज्यादा डर हुए मम्मी है, और सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस वाले इंसान डायरेक्ट जंप भी मारेंगे, देखो ऊंचाई से डर नहीं लगता भाई लोग, तो फिर नीचे से डर लगता है अपने को सिर्फ अपनी बीवी से डर लगता है, वो मारती है, थप्पड़ से नहीं डर लगता, लकड़े से डर नहीं लगता, थप्पड़ बीवी से डर लगता है, थप्पड़ से लगता है, और मेरा डर ये है मावा जोड़ू नहीं, बीवी से डर लगता है, थप्पड़ से डर नहीं लगता है, ये सिंच ना कचरा उनको पड़ा।